नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र करणी में। मित्रों, यह हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। अगर आपने इससे पहले चैनल पर फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम की नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है और पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में लेकर आए हम आपके लिए इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट आप किस तरह कुछ सेकंड में ही आप फाइंड कर सकते हैं, कितने ही बड़े से बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखियो, इसमें हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना बताएंगे आपको। यदि किसी संख्या का यानी यदि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है, यानी किसी संख्या का जब अंतिम अंक हमारा 0, 1, 5, 6 है, तो अगर उससे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पूछा जाए तो इनका जो नंबर आएगा वो सेम नंबर आएगा, यानी वही नंबर इनका इकाई अंक होगा। जिस तरह समझाते हैं, जैसे देखिए, एक की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 1 आएगा, एक की पावर अगर 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, एक की पावर 3 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो देखिए, एक की कितनी ही पावर हो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। इसी तरह अगर हमने 5 की पावर 1 किया तो 5 आएगा, 5 की पावर अगर 2 करेंगे तो 25 आएगा, और 5 की पावर जब 3 करेंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ पर देखने पर हमें पता चल रहा है कि यूनिट डिजिट जो है वही नंबर यानी सेम नंबर रहता है। इसी तरह अगर हमने 6 को किया, 6 की पावर 1 आएगा, 6 ही आएगा, 6 की पावर जब 2 करेंगे तो 36 आएगा, और अगर 6 की पावर 3 करते हैं तो हमारा 216 आएगा। तो यहाँ पर हमें देखने पर पता चल रहा है कि इन संख्याओं का जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक है वो सेम नंबर आ रहा है। इसीलिए अगर किसी संख्या का जो अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो यानी वही सेम नंबर्स आएगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, एक 2 की पावर 4 × 5 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 6 की पावर 2। तो देखिए, ये आपके लिए सामने प्रश्न दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। तो देखिए, आप जानते हैं कि 2 की पावर को हमें आपने बताया नहीं, अभी आगे बताएंगे, 5 की पावर 3 की पावर और 6 की पावर। तो देखिए, यहाँ जो 6 की पावर्स है वो कितनी ही पावर्स क्यों ना हो इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। इस तरह 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 3 ही रहेगा, और जब 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, और जब 2 की पावर 4 करेंगे तो देखिए 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 करने पर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए, जब 2 की पावर 4 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है। तो देखिए, जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना होता है किसी बड़ी से बड़ी संख्या का, इकाई अंक का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, यहां पर 6 का गुणा जब 5 में कर रहे हैं तो 30 आ रहे हैं, यानी 0 आ गया। तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट आएगा, आगे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। इस तरह हम बड़ी से बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ गया है कि यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। तो देखिए, किसी भी संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए तो अगर उसमें यूनिट डिजिट पूछा है तो उसका अंतिम अंक है, अंतिम अंक का मल्टीप्लाई अंतिम अंक, और जितने भी हमारे अंतिम अंक है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 6 आएगा, जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 12 आएगा। 12 नहीं लेना होता है हमें, सिर्फ इकाई अंक निकालना होता है, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा वो 2 आएगा। अब देखिए, अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि 0, 1, 5, 6 इनका तो हम इकाई अंक निकालना सीख गए, लेकिन जो बची हुई संख्या है, तो देखिए जो बची हुई संख्या है यानी कि जो है 2 है, जो बची हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये हमारे पास बची हुई संख्या है। तो देखिए, इसमें 4 और 9 के लिए अलग से ट्रिक बताएंगे, लेकिन इसमें भी बताएंगे। तो 2, 3, 4, 7, 8, 9, यानी अगर यह संख्या है, किसी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 2 यानी अंतिम अंक 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 7 आता है, या 8 आता है, 9 आता है, तो हम किस तरह इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जब हम 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे
16 आ रहा है। जब 2 की पावर 5 करते हैं तो हमारे पास 32 आता है, यानी जो हमारा पहले का प्रथम अंक है वही रिपीट हो रहा है, यानी एक चक्री क्रम में। इसी तरह अगर हम 3 की पावर करते हैं, 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, या 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, और 3 की पावर अगर 4 करते हैं तो 81 आएगा, और 3 की पावर जब 5 करेंगे तो हमारे पास 243 आएगा। यानी देखो 1 2 3 4, 4 अंकों बाद वही 4 की पावर के बाद, यानी पावर घात 4 के बाद, यानी जैसे ही हम 3 की पावर 5 करते हैं हमारा वही अंक रिपीट होने लगता है। इसी तरह आप किसी भी नंबर्स की आप करोगे तो इनका मतलब होता है कि हमारा जो ये नंबर चल रहे हैं जो चक्रीय क्रम में, यानी जो घातें चल रही हैं, एक साइक्लिक साइक्लिक सीक्वेंस बनाते हैं। इसलिए इन नंबर्स को क्या करते हैं, जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक है तो इस नंबर्स को, यानी इन संख्याओं का अंतिम अंक ज्ञात करने के लिए हम उस अंतिम संख्या में 4 से डिवाइड देते हैं, यानी जितनी भी पावर है हम उसमें 4 से डिवाइड देंगे। जैसे प्रश्न है आपका 8 की पावर 421 है। अगर 8 की पावर 421 है तो देखिए 8 की पावर 421 है और हमें 4 से डिवाइड देना है, क्योंकि ये सभी चक्रीय क्रम में चलते हैं। जब 4 से 21 में, यानी देखिए 4 से भाग विभाजिता का नियम यह कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या विभाजित होगी। इसलिए हम इसके जो दो अंक है अंतिम उनमें भाग देंगे। जब 4 का भाग 21 में देंगे, यानी 4 का भाग हम 21 में देंगे, तो 4 पन्ना 20, रिमाइंडर हमारे पास शेष बचा, यानी जो शेष बचता है उस संख्या की पावर हो जाती है। अगर 0 बचता है तो अलग केस है उसका, उसे आगे बताएंगे। तो देखिए इसकी 8 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक 8 ही रहेगा, यानी इसका जो इकाई अंक रहेगा वो 8 ही रहेगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, यानी 3 की पावर 169 है, यानी 3 की पावर 169 है, तो देखिए 4 से डिविजन का रूल यही कहता है कि अंतिम दो अंक में भाग देंगे। जब हम 69 में 4 से भाग देंगे, 4 1 4, 2 बचे 29, 4 7 28, हमारे पास जो शेष बचा है वो 1 है और 0 केस में अलग होता है। तो देखिए जो शेष बचा है उसी की पावर हो जाएगी 3 की पावर 1 = 3 होता है, इसलिए इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा। इस तरह आप इन संख्याओं को यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकती हैं। नेक्स्ट है 7 की पावर दी है, 521 7 की पावर दी हुई है, तो देखिए 7 की पावर जब 521 दी है तो क्या करेंगे, अंतिम दो अंक में हम 4 से डिवाइड देंगे। जब 4 से डिवाइड देंगे 21 में तो 4 पन्ने 20, 1 शेष बचेगा, यानी हमारे पास शेष क्या बचा है, 1 बचा है। जो शेष बचता है वही उस संख्या की पावर्स होती है, यानी 7 की पावर 1, तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो 7, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 7 ही आएगा, = 7। इस तरह हम इसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 कंडीशन है, अगर शेष 0 है, अगर शेष किसी संख्या का शेष 0 है, या हम कहें कि घात पूरी तरह विभाजित है, यानी जो घात दी हुई थी किसी संख्या की घात पूरी तरह विभाजित है, यानी किसी संख्या का अगर शेष 0 आता है और यदि घात पूरी तरह विभाजित होती है तो हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक किस तरह ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें करना होता है, जैसे 2 की पावर 224 है, जब हम इसमें अंतिम अंक में 4 से डिवाइड देती हैं क्योंकि नंबर हमारा 2 है और यह चक्री क्रम में, यानी 4 की पावर्स के बाद यह चक्री क्रम किस क्रम में वही नंबर रिपीट होते हैं, इसलिए इसमें 4 से भाग देंगे। जब 24 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 6 24, यानी शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचता, यानी 0 बचता है। इस कंडीशन में जो संख्या दी हुई होती है, यानी हमारे पास जो संख्या दी हुई थी 2 है, तो इसकी पावर 4 लिख देंगे, यानी इसकी पावर क्या होगी, 4 होगी, और इसकी पावर 4 को ओपन करने पर वही आपका जो आएगा वो आंसर होगा। देखिए 2 की पावर छोटा नंबर है इसलिए आप इसे 2 की पावर 4 को आसानी से भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक बताते हैं, इसे 2 की पावर 2 * 2 की पावर 2 में भी हम विभाजित कर सकते हैं।
इस तरह आप क्या करोगे, कम समय में यूनिट जल्दी ज्ञात कर सकते हो। तो 2 की पावर 2 4 होता है, इंटू 2 की पावर 2 4 होता है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमारा मिलेगा 6, आपका उत्तर होगा, यानी इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। इसी तरह अगर हम करें कि 3 की पावर 320 है, देखिए 3 की पावर जब 320 है, तो जब हम इसे 20 में यानी 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और हमारे पास जो बचा है शेष 0 बचेगा। इस कंडीशन में जो संख्या दी हुई होती है उसकी पावर 4 लिखते हैं, यानी 3 की पावर 4 होगा, जो कि अब 3 की पावर 4 को देखिए, 3 की पावर 4 आपके लिए कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसे हम शॉर्टकट ट्रिक यानी 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में विभाजित कर सकते हैं यानी बांट सकते हैं। तो 3 की पावर 2 9 होता है, इंटू 3 की पावर 2 9 होता है, दोनों का 9 9 81 होगा आपका, और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। इस तरह अगर आपके शेषफल 0 बचता है या घात पूरी तरह विभाजित होती है किसी संख्या की, बड़ी से बड़ी संख्या की, तो आप उसका यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, यदि 4 और 9 यानी किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 4 और 9 आता है, यानी किसी संख्या का अंतिम अंक 4 और 9 के लिए, तो देखिए पहले 4 संख्या का अंतिम अंक 4 है, तो देखिए 4 का जब हम साइक्लिक देखेंगे यानी 4 की पावर 1 बराबर 4 होगा, 4 की पावर 2 बराबर 16 होगा, 4 की पावर 3 बराबर 64 आएगा, और 4 की पावर 4 बराबर 256 आएगा, और 4 की पावर जब 5 करते हैं हम तो 1024 आता है। यानी देखो 1 2 3 4 जैसे ही 4 की पावर 5 की हमने, तो वही नंबर हमारा रिपीट होने लगता है। तो इस तरह इसलिए हम 4 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड देते हैं। तो इनमें देखते हैं जबकि जब संख्या सम स्थानों पर है, यानी संख्या अंक अगर सम है 4 की घात, सम और विषम, यानी जब 4 की घात सम है और विषम है, तो देखिए जब 4 की घात सम है यानी सम स्थानों पर देखिए 6 आ रहा है, यानी यदि 4 की घात किसी भी संख्या में अंतिम अंक 4 है और उसकी घात जब सम है, तो हमारा जो इकाई अंक आ रहा है देखिए 6 आ रहा है, तो इकाई अंक उसका 6 होगा हमारा। अगर संख्या की जो घात है, पावर है, वो अगर विषम है, तो देखिए 4 4 रिपीट हो रहा है और 4 इधर, तो विषम है तो उस संख्या का इकाई अंक 4 आएगा। ये आपको याद रखना है 4 के लिए, यानी संख्या का अंतिम अंक 4 है अगर उसकी घात सम है और विषम है, अगर उसकी घात सम है यानी 4 की घात जब सम हो, देखिए इसी प्रकार जब 9 की घात अगर सम है और विषम है, तो जब हम 9 का साइक्लिक देखते हैं यानी 9 की पावर 1 = 9 आएगा, जब 9 की पावर 2 करेंगे तो हमारे 81 आएगा, और 9 की पावर 3 करेंगे तो 729 आएगा, जैसे ही हमने 9 की पावर 4 की तो 6961 आएगा, लेकिन 9 की पावर 5 करते हैं तो रिपीट करके वही यानी 9 अंक आता है। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि जब 9 की पावर सम है, यानी जब 9 की पावर सम है, तब जो हमारा इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट आएगा वो आपका 1 आएगा, और जब 9 की पावर विषम में आप देख पा रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 9 आएगा। इस तरह आप किसी भी संख्या यानी जब 9 की पावर सम है और विषम है, तो यूनिट डिजिट यानी सम आने पर 1 आएगा और 9 की पावर विषम आने पर हमारा 9 आएगा। इसी तरह हमने आपको बताया था कि 4 की पावर सम आने पर उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, और जब 4 की पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 71 - 6 की पावर 38, मैं आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना है। तो देखिए 7 की पावर 71 - 6 की पावर 38 है, तो देखिए आप जानते हैं कि 6 की पावर कितनी क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट वही रहता है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। लेकिन 71 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसमें हम भाग देंगे, 4 एक 4 3 रिमाइंडर 31 4 7 28, तो जो शेष बचा है हमारे पास 3 है, यानी जो शेष बचा है यानी उस संख्या की घात होती है, तो 7 की पावर 3 माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा देंगे। जब हम 7 की पावर 3 को खोलेंगे तो 343 आएगा, माइनस का 6 आएगा। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, इसलिए हम बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ से इसे पावर
कैरी लेंगे और ये 13 हो जाएगा। जब 13 में से हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो इकाई अंक हमारा 7 आएगा। इस तरह इस प्रश्न का जो आंसर होगा यानी यूनिट डिजिट हमारा 7 आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो देखिए मैथ की क्लास, अगर आपने मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो हम आपको मैथ में 0 लेवल से लेकर उस लेवल तक ले जाएंगे जहां लेवल तक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को अधिक से अधिक शिक्षक बंधुओं के साथ कीजिए शेयर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 6 की पावर 38 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 7 की पावर 83। तो इस प्रश्न में आपको यूनिट डिजिट निकालना है यानी इस प्रश्न में आपको इकाई अंक निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब 6 की पावर कितनी ही क्यों ना हो उसका इकाई अंक आएगा वो 6 ही आएगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर सम है और विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। 4 की पावर जब सम होती है तो यूनिट डिजिट 6 आता है और 4 की पावर विषम होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। इसलिए पावर्स विषम है इसलिए इसका इकाई अंक 4 आएगा। और प्लस का साइन है, प्लस का लगा देंगे। जब 83 को 4 से भाजित करेंगे यानी 83 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 दुनिया 8 3, तो हमारे पास जो शेष होगा वो 3 बचेगा। और इस तरह प्लस का साइन लेंगे 7 की पावर 3 जो कि इसका रख देंगे। जब 7 की पावर 3 को हम ओपन करेंगे तो 343 आएगा। और यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, इस बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है इसलिए हम बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 6 प्लस 4, 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में जब हम यूनिट यानी अंतिम अंक इकाई अंक लेंगे, 10 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। 13 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो इकाई अंक यानी 3 इसका इकाई अंक होगा। इस तरह हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक सभी शिक्षक साथियों के साथ करें शेयर। नमस्कार मित्रों।